स्टूडेंट्स, आप लोगों की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। सुबह क्विक पे आ जाइए, पेज नंबर 19 पे। ये दो पार्ट ही हमने इसके अटेम्प्ट करने हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस: एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इम्पेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी कहते हैं हैरान कर देने वाले, जिसमें हम लोग अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे हम लोग अमेज्ड हैं या फिर चाहे हम लोग कन्फ्यूज हैं, या जिस भी किस्म की हम लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अमेज कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। असर्टिव कहते हैं सादा जुमलों को, जिस पे हम लोगों की आम कन्वर्सेशन होती है या हम किसी को अपने बारे में बता रहे होते हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सवालिया जुमले, यानी कोई भी सवाल होता है, इनमें क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम लोग नॉट का इस्तेमाल करके मनफी जुमले बना लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी इम्पैक्ट जो डालते हैं, जो किसी भी बात हम लोग करते हैं उसका असर रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलर इंटरेस्टेड, यानी आर्ट एक और ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, सादा जुमला है कि वो अपने बारे में बता रहा है या बता रही है। बट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या खूबसूरत पेंटिंग है, इसमें हम लोग हैरान हो रहे हैं, ठीक है। तो एंड ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी। टीच हिम टू लर्न, ये इम्पेरेटिव है, ठीक है, यानी वैसे इसको एज एन इडियम हम लोग यूज़ करते हैं। टीच हिम टू लर्न यानी अच्छा बनने के लिए हम लोगों को सीखना पड़ता है, अकल और शऊर को इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को सीखना पड़ता है। हाउ वुड आई नो, इंटरोगेटिव है कि भाई मैं किस तरह से ये जान सकता हूँ या जान सकती हूँ, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट का यूज़ हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। पंक्चुएशन द फॉलोइंग, पंक्चुएट द फॉलोइंग। कैप्टन मोहम्मद साहब, अच्छा ये वही है जो अभी पीछे हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है, तो आप लोग कैप्टन और ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, नेम है सॉरी, इनको आप लोग कैपिटल लेटर में लिखते जाएं। उसके बाद आप लोगों ने हवलदार लाइक जान के बाद आप लोगों ने कॉमा लगाना है, ठीक है। ऑल इम्प्रेस मटाइडम, मटाइडम के बाद आप लोगों ने फुल स्टॉप लगाना है। वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदर लैंड, यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने लगाना है फुल स्टॉप, ऑल का ए कैपिटल करना है, निशाने हैदर एन योर एच आप लोगों ने कैपिटल करना है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आके फुल स्टॉप लगा देना है। ये आप लोगों के लिए, ये जितने भी नाम हैं आपने उनको कैपिटल में लिखना है, क्योंकि नाम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।